और अब सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूचना के अधिकार पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अफसरों ने ग्रहण लगाया। सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देने वाले जिम्मेदारों के वेतन से जुर्माना राशि काटी जाएगी। राज्य सूचना आयोग के बाद मुख्य सचिव ने जताई सूचना नहीं देने वाले अफसर कर्मचारियों से नाराजगी। आयोग ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है। और इधर सीए सुधांश पंत ने वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। सूचना का अधिकार का माहौल बना रहे अफसर और कर्मचारी, कानून लागू होने के बाद भी आमजन को सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। डेढ़ साल में सूचना नहीं देने वाले कर्मचारी अफसरों को राज्य सूचना आयोग ने दोषी माना। आयोग ने दोषी कर्मचारी अफसरों पर जुर्माना किया, लेकिन वसूली नहीं की और सूचना नहीं देने वाले दोषियों से पिछले डेढ़ साल में करनी थी 19.5 लाख की वसूली, लेकिन दोषियों से जून 2024 तक महज 7 लाख रुपए की वसूली भी नहीं कर पाए। जिला स्तर पर सूचनाएं नहीं मिलने पर वर्ष 2023 में 1940 शिकायतें, वर्ष 2024 जून तक 955 लोगों ने राज्य सूचना आयोग में शिकायतें की। वर्ष 2023 में 673 और वर्ष 2024 जून महीने तक 318 लोगों को ही राहत। जिला स्तर के साथ में राज्य सूचना आयोग के अफसर की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी देखिए, सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है और जिस तरीके से आरटीआई का माहौल अफसर और कर्मचारी बना रहे हैं, मुख्य सचिव की ओर से भी उस पर नाराजगी जाहिर की गई है। जी देखिए, सूचना का अधिकार का माहौल बना रहे हैं अफसर कर्मचारी, कानून लागू होने के बाद से ही कई आमजन को सूचनाएं लेने के लिए करीब 1-1.5-2 साल तक जो सूचना अधिकारी उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो पिछले डेढ़ साल में सूचना आयोग ने करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी सूचनाओं देने की, उनको दोषी माना है और आयोग के कर्मचारी इन्होंने उन दोषी कर्मचारी अफसरों पर जुर्माना किया। लेकिन सूचना नहीं देने वाले दोषी कर्मचारी अफसरों ने अभी तक केवल 7 लाख रुपए का ही जुर्माना किया, जबकि उन पर सूचना आयोग ने करीब 19.5 लाख रुपए के लगभग का जुर्माना किया है। मैं आपको बता दूं कि इन विभाग इन सबसे ज्यादा सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जो विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट है उसकी माने तो शिक्षा विभाग, गृह विभाग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, रेवेन्यू विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभाग है जो सबसे ज्यादा ही सूचनाएं देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। मैं जो सरकारी महकमों में सूचना लेने के लिए बनाया गया है सूचना के अधिकार पर, तो अफसर कर्मचारी उन पर कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं सूचनाएं लेने के लिए। 2023 में करीब 1940 और 2024 में 955 ऐसे राज्य सूचना आयोग को शिकायतें मिली थी कि जो जिला सूचना अधिकारी हैं वह सूचनाएं नहीं देते। तो राज्य सूचना आयोग में जब प्रार्थियों ने अपील की तो 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने दोषी माना, उन पर जुर्माना भी किया। अब हाल ही में राज्य सूचना आयोग ने जो सूचनाएं नहीं दे रहे उन दोषी अफसर कर्मचारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तो तैयारी करी ली है, लेकिन अब जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत उन तक ये मामला प्रसंज्ञान में आया तो उन्होंने ऐसे जो सूचनाएं सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराए उन्हें अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो जुर्माने की राशि है जो सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग में भी जमा नहीं करा रहे हो तो अब उनके वेतन से ये राशि काटी जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा फैसला है मुख्य सचिव का और इस पर सभी अधिकारियों को उन्होंने एक विशेष मौखिक रूप से फिलहाल निर्देश दिए हैं, आगे की प्रक्रिया अब उसी के आधार पर तय की जाएगी। चलिए ओम प्रकाश, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सूचना का अधिकार का माहौल बना रहे अफसर और कर्मचारी, कानून लागू होने के बाद भी आमजन को सूचनाएं नहीं मिल रही और फिलहाल अब इसके लिए राज्य सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने वाले कर्मचारियों को अफसरों को दोषी माना है।